हाँ जी, तो कौन है बेटा हमारा रीडर, कौन है हमारा रीडर? आ जाओ जाओ, शुरू करो बेटा। हमें कौन से क्वेश्चन, आई थिंक 13th हमने कर लिया था है ना, हमें 14th से स्टार्ट करना है। हाँ जी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट हैज बीन ओवरलुक्ड बाय मुकुल एंड डिस्क्राइब ब्रीफली द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। अब इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंस या तो स्टाफिंग की थी या फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की थी। तो पहला पॉइंट क्या बोला है उसने, हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। बोलो बेटा। मुकुल बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज इन वाराणसी, बीइंग द ओनली लिटरेट पर्सन इन हिज इमीडिएट फैमिली, ही डिसाइड्स टू सेटल इन द सिटी। सो ही ओपन्स अ स्वीट शॉप इन चांदनी चौक। अभी क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि उसने अपने जो भी कजन्स थे उसको, उनको गांव से उसने शहर बुला लिया कि आ जाओ भाइयों मिलके बिजनेस करेंगे। हाँ जी, फिर मतलब बिना उन्होंने ये ध्यान दिए कि मेरे भाइयों का मतलब जो भी कजन्स हैं उनके उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, उनको जॉब दे दी। आगे वेस्टेज ऑफ मटेरियल टाइम एफर्ट एनर्जी रिजल्टिंग इन लो प्रोडक्टिविटी एंड पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। एज अ रिजल्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ हिज बिजनेस स्टार्ट्स फॉलिंग। सून ही रियलाइज्ड दैट फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इट इज एसेंशियल दैट राइट काइंड ऑफ पीपल मस्ट बी अवेलेबल अवेलेबल इन द राइट नंबर एट द राइट टाइम। हां भाई, तो कौन से पॉइंट ने बोला, उसने रियलाइज किया, क्या रियलाइज किया कि सही जगह पे सही आदमी को लगाना चाहिए था। और ये किसका फायदा होता है, स्टाफिंग का। स्टाफिंग से सही आदमी को आप सही जगह पे प्लेस कर सकते हो। तो हमें क्या पॉइंट मिला कि स्टाफिंग, हाँ भाई, इज द फंक्शन जो कि उसको करना चाहिए था जो उसने नहीं किया था। इसके फायदे, फ्री हिट हो सकते हैं फायदे, हाँ फ्री हिट ही होते हैं। पहला फायदा, यानी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉइज मिलेंगे, सही आदमी को नौकरी पे राइट जॉब पर लगाया जाएगा। सर्वाइवल एंड ग्रोथ, जब अच्छे एम्प्लॉयज आएंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या था याद है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, वो पूरी हो पाएगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स को हम फुलर यूटिलाइज कर पाएंगे एंड जॉब सेटिस्फेक्शन, और एम्प्लॉयज का मोरल भी हाई होगा क्योंकि कॉम्पिटेंट स्टाफ होगा। हाँ जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई, तो पहली बात उसने बोला कौन सी टाइप ऑफ ट्रेनिंग है। हाँ जी, ट्रेनिंग का टाइप पूछा है ना, टाइप। आगे बढ़ो, रुक जाओ, जो ह्यूमन नीड है ना ये किस चैप्टर से बिलोंग है, डायरेक्टिंग से, तो लिख देना डायरेक्टिंग, उसके आगे पॉइंट लिख दो डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग स्टार्ट करो। अब पहली बात तो उसने बोला कि नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ध्यान देना ट्रेनिंग क्या टाइप पूछ रहा है ना, ट्रेनिंग का क्या पूछ रहा है टाइप। बोलो, राहुल रन्स अ लॉ फर्म इन हैदराबाद, हिज फर्म ऑफर्स वैल्यूएबल फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंसी सर्विसेज टू द क्लाइंट्स। व्हेनेवर द फर्म हायर एनी न्यू एम्प्लॉइज ऑन द फर्स्ट डे ऑफ देयर जॉइनिंग। रुक जाओ, फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग की बात हो रही है, सिलेक्शन के बाद, सेलेक्शन के ठीक बाद क्या होता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, व्हाट इज ओरिएंटेशन, इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन, प्लेसमेंट जगह देना,
इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस करवाना आगे. वेलकम किस में आता है? ओरिएंटेशन में. To the organization and are given detail about hours of work, holiday request, sickness procedure, dress code, lunch arrangements, introduced to the daily operations and key people in the workplace, etc. They are also familiarized with the organization's policies. अभी भी क्या चल रहा है? Introduction. And procedures including complaints and dispute resolution, sexual harassment, emergency exits. हाँ भाई, अब ध्यान देना. ये हुआ क्या, इसने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है. क्या दिया है? इंट्रोडक्शन. और नीचे बोला गया है नेम द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच इज बीइंग रेफर्ड टू. किस तरह की ट्रेनिंग? तो पहली बात तो इंट्रोडक्शन के लिए कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं है. नहीं तो अब ध्यान देना, ये तुम्हें नया टर्म मिला यहाँ पर. क्या बोलते हैं? तो जो हमारा जो ओरिएंटेशन है, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन ट्रेनिंग. क्या बोलते हैं? किसी भी नए एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस करना, कंपनी के बारे में बताना, दिस इज व्हाट कॉल्ड इंडक्शन. पापा चार्ट में जाकर लाए हो, पापा चार्ट में जाकर प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन में ओरिएंटेशन को लिख दो क्या? इंडक्शन. इसको इंडक्शन ट्रेनिंग से नाम के नाम से भी जाना जाता है. इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है. इसको इंडक्शन ट्रेनिंग के नाम से भी जाना जाता है. ओरिएंटेशन को, प्लेसमेंट को नहीं. ओरिएंटेशन का मतलब क्या है? इंडक्शन. व्हाट इज इंडक्शन? उसको क्या देना? इंट्रोडक्शन देना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना. कोई भी नया आदमी आएगा तो उसको पहले क्या दी जाती है? इंडक्शन ट्रेनिंग. क्या बोलते हैं? इंडक्शन ट्रेनिंग. लेकिन ये नॉर्मली ट्रेनिंग में तो नहीं आती. हाँ भाई, नॉर्मल ट्रेनिंग में नहीं आती. ओरिएंटेशन को ही बोलते हैं क्या? इंडक्शन ट्रेनिंग. लिख लिया, पापा चार्ट में ऐड कर लिया. हाँ जी, आगे. हाँ लेकिन नहीं, मैंने वही कहा तुमसे, ओरिएंटेशन को ही कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग. ठीक है, हाँ भाई डिपेंड, ये टीचर की समझदारी पर डिपेंड करता है. ज़्यादातर टीचर्स क्या करते हैं ना कि जो क्वेश्चन जहाँ से भी उठाते हैं ना, उसमें जो लिखा होता है वो बोलते हैं ये आंसर चाहिए, है ना. मैं तो तुम्हें समझा रहा हूँ कि ओरिएंटेशन और बोथ आर सेम, है ना. हो सकता है टीचर पर डिपेंड करता है, वो बोले नहीं ये आंसर गलत है, तो वो तुम दोनों लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है, है ना. तुम समझाओगे तो उसको ही कि इंडक्शन ट्रेनिंग क्या होती है, तो उसे बता दो इंट्रोडक्शन, जिसको कि हम ओरिएंटेशन नाम से भी जानते हैं. दूसरा पार्ट तो हमारा किससे था? डायरेक्टिंग चैप्टर से. आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स. अगेन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर, ये भी हो गया डायरेक्टिंग से. तुमने एक चीज नोटिस की हो तो इस चैप्टर में डायरेक्टिंग के साथ मिलकर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं. आगे बी पॉइंट, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग. ये तो फ्री हो गया बेनिफिट. ट्रेनिंग के बेनिफिट एम्प्लॉयर के लिए भी होते हैं और एम्प्लॉय के लिए भी होते हैं, दोनों के लिए होते हैं. और लास्ट क्या है हमारा? वैल्यूज, जो हमारे कोर्स में नहीं है. तो क्या इस क्वेश्चन के लिए मुझे केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है? चलो फिलहाल अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, जब हमें मालूम चलेगी तो देख लेंगे दोबारा से. हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि कई स्कूलों में ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं, तीन महीने पहले आ चुकी है कि वैल्यूज़ आउट ऑफ कोर्स है, है ना. तो अगर बीच में अगर कुछ पता नहीं CBSE का, दोबारा अगर लेकर आता है तो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी. जब भी आएगी डोंट वरी, वैल्यूज़ तो सबसे ईजी है, है ना. हम तो वैल्यूज़ के लिए अकेली एक अलग से क्लास लगाते हैं, उस एक क्लास में सारी वैल्यूज़ कवर हो जाती हैं. अभी करने पर इतनी क्लियर नहीं होती हैं, इकट्ठे करने पर ज़्यादा क्लियर होती हैं. तो पहले बात तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या मुझे केस स्टडी पढ़ने की जरूरत है? नहीं, फ्री हिट है. क्योंकि दूसरा वाला पॉइंट है खाली कि बेनिफिट बताने हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों के बताने हैं. मैं दोनों के बता सकता हूं क्योंकि इसने क्लियर नहीं किया कि किसके बताने हैं. हाँ भाई, तो बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग, पहला तो सिस्टमेटिक लर्निंग होती है एम्प्लॉयज के लिए. हाँ होती है, जिससे कि एफर्ट्स और मनी की वेस्टेज क्या होती है? कम. पॉइंट नंबर टू, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी बढ़ती है. हाँ भाई, एम्प्लॉयज़ का मोराल भी बढ़ता है, एब्सेंट रहना कम कर देते हैं और एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम हो जाता है. व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर? एम्प्लॉय बार बार आते जाते नहीं है, स्टेबिलिटी से काम करते हैं. आ जाओ क्वेश्चन नंबर, ज्योति नहीं, फ्रीड है. अब ये डायरेक्टिंग से रिलेटेड हो गया, तो डायरेक्टिंग में काम आता है ये. हाँ भाई, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, हमें केस स्टडी पढ़ने के बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझना बहुत जरूरी है कि
किस चैप्टर से बिलोंग करता है तभी हम उसको कर पाएंगे। इसके अंदर हमें दिखाई दे रहा है टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, कोई फ्री हिट है, ठीक है, क्लियर है। और ज़्यादातर जो फ्री हिट क्वेश्चन होते हैं वो इसमें तो ऐसे भी क्लियर है, पढ़ भी लो तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, तभी तुम्हें ज़रूर पढ़ना है। लेकिन हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है बोलो। राहुल रन्स एन एनजीओ अंडर द नेम सार्थक इन दिल्ली। द ऑर्गेनाइजेशन इज एंगेज्ड इन ऑफरिंग वेस्ट पेपर रिसाइक्लिंग सर्विसेज टू ऑल काइंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली एनसीआर रीजन। इट आल्सो मैन्युफैक्चर्स कस्टम मेड पेपर स्टेशनरी आउट ऑफ रिसाइक्लिंग पेपर ऑन ऑर्डर फॉर द इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशंस एट अ वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। द वेबसाइट ऑफ सार्थक प्रोवाइड्स अ लिंक टू द करियर साइट। रुक जाओ, जैसी वो आई कि वेबसाइट उसकी आई कहाँ पर है, कहाँ पर है वेबसाइट, कौन सा पॉइंट पे बेटा? द वेबसाइट, हाँ वेबसाइट। जैसे हमने बात की वेबसाइट की, तो वेबसाइट के थ्रू वो क्या कर रहा है, वो उसने लिंक दिया है कि जिसको नौकरी चाहिए वो आ जाए, ये तो मतलब हुआ करियर है ना। हाँ जी, तो इसे बोलते क्या है, वेब यानी एडवर्टीजमेंट थ्रू वेब पब्लिशिंग। उसने बोला भी क्या था, देखो उसने बोला है कि टू सोर्स, हाँ भाई टू सोर्स ऑफ एक्सटर्नल, तो एक्सटर्नल में कितने थे, चार पे एक, एक पे एक और तीन, ठीक है। जिसमें हमने क्या पहला पॉइंट क्या मिला हमें, वेब के थ्रू वो लोगों को नौकरी पर बुला रहे थे। आगे अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स कौन होते हैं, ये कैजुअल कॉलर्स। तो मालूम चला कैजुअल कॉलर्स के थ्रू भी ये लोगों को बुला रहे थे नौकरी पर, यानी कि जो एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो लोग सिलेक्टेड नहीं है उनको जॉब देने के लिए बुला रहे हैं। आगे तो कितने पॉइंट मिले हमें, दो पॉइंट मिल गए हमें, पहला क्या वेब पब्लिशिंग, दूसरा क्या कैजुअल कॉलर्स। क्वेश्चन नंबर 1818, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अडॉप्टेड बाय द कंपनी, एक्सप्लेन ब्रीफली एनी थ्री एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द। अगेन देखो फिर से थ्री एडवांटेज बोला, फ्री हिट ही होते हैं ऐसे क्वेश्चंस, वो भी किसके बोल रहा है, एक्सटर्नल सोर्स के। एक्सटर्नल सोर्स के एडवांटेजेस थे क्या, एक्सटर्नल सोर्सेस के एडवांटेजेस थे क्या, इंटरनल के अलग थे, एक्सटर्नल के अलग थे, कौन से किस नाम से थे, मेरिट। बोलो पहला क्या बताना है, आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कौन सा अडॉप्ट किया गया है, बोलो। कॉमटेक लिमिटेड इज वन ऑफ द टॉप आईटी कंपनीज इन इंडिया। द कंपनी डज मास रिक्रूटमेंट ईच ईयर फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस ऑफरिंग फ्रेश। हां भाई डिफरेंट कॉलेजेस से लेकर आ रहे हैं, क्या बोलते हैं कैंपस, हाँ भाई डिफरेंट कॉलेज से लेकर आ रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, कैंपस रिक्रूटमेंट। फ्रेशर्स लेवल जॉब टू द फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, दिस हेल्प्स इन रिक्रूटिंग द ब्राइटेस्ट एंड द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्लियर है, हाँ जी। दूसरा क्या बोल रहे हैं, तीन फायदे बताने हैं किसके, क्या कोई कैंपस रिक्रूटमेंट के फायदे दिए थे किताब में, नहीं तो पूछेगा भी नहीं, ठीक है ना, वो तो मैं कोई रिसर्च नहीं करवाएगा कि अपने मन से बना के बताओ। तो क्वेश्चन अगर बुक में नहीं है पॉइंट तो आता ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, किसके एडवांटेज हमें दिए हुए, मेरिट एंड डीमेरिट्स, एक्सटर्नल के पूछ रहा है तो एक्सटर्नल के ही बताने हैं। पहला, हाँ भाई बाहर से क्या आता है, एक्सपीरियंस्ड मिल सकता है, हमें चाहिए तो हम उसको यूज कर सकते हैं, वाइडर चॉइस, चॉइस ज़्यादा होती है और फ्रेश टैलेंट भी मिलता है। फ्रेश टैलेंट किसके थ्रू मिलता है, एक्सटर्नल के थ्रू, इंटरनल के अंदर एग्जिस्टिंग लोग मिलते हैं, तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, फ्री हिट कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस बीइंग कैरीड आउट बाय प्रतीक बाय 1499। स्टेप इन द, अब स्टाफिंग प्रोसेस बोल रहा है ये, कितने हैं, 8 पॉइंट। सबसे पहला एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, दूसरा रिक्रूटमेंट इंटरनल एक्सटर्नल वाला, तीसरा सिलेक्शन होते ही प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, हाँ भाई उसके बाद ट्रेनिंग पर भेज दिया, ट्रेनिंग कर आया, परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके बाद प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग, लास्ट वन
तो उसने बोला है कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप, कौन कौन से स्टेप दिए, वो भी लाइन को कोट भी करना है. एंड सेकंड वन, नेम द कांसेप्ट दैट रिलेट्स टू द डिटेल्स अबाउट द वैकेंसीज अवेलेबल इन द टर्म ऑफ द डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सो ऑन. अब ध्यान देना, ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसा है कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा करेगा कैसे करेगा, आओ देखते हैं. बोलो. प्रतीक हैज स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन गुड़गांव. वन ऑफ द पेज ऑफ हिज कंपनी वेबसाइट कंटेन्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. वेलकम टू ऑल द विजिटर्स ऑफ दिस पेज हु आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ करियर इन द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग. द ओपनिंग्स आर अवेलेबल इन द कंपनी एट वेरियस लेवल्स, सो डोंट मिस द चांस. दिस पेज इंक्लूड्स अ लिंक टू प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स अबाउट द वैकेंसीज अवेलेबल in the term of the desired qualification, experience, personality, characteristics and so on. Through a continuous assessment of the number and types of human resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objective and in relation to the number of and type available, he gets the information on the page updated. How kis kis ko kya samajh aaya batao. पता है अभी फिर से बात समझना. पहले तो ये गलती मैंने कहा ना, यही गलती हम कर रहे होते हैं. पहले ना एक ही पैराग्राफ जैसे लाइन पढ़ रहे हो, लाइन के लाइन का एंड होते हैं उसको पहले उसको रोकते हुए समझो कि हाँ क्या कह रहा है ना. तुम पढ़ते आ रही हो, सब लोग मैं देख रहा हूँ, मैंने सभी को देखा, मैंने सब यू बस यू यू लगे पड़े हैं. दोबारा बोलो. पहले बात तो क्वेश्चन समझ लो. क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द स्टाफिंग प्रोसेस बीइंग कैरीड बाय द, ठीक है, कि क्या क्या स्टाफिंग प्रोसेस की एक्टिविटीज क्या क्या दी हुई है देखते हैं. बोलो. प्रतीक हैज स्टार्टेड एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी इन गुड़गांव. वन ऑफ द पेज ऑफ हिज कंपनीज वेबसाइट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. देखो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन दी हुई है. हां, वेलकम टू ऑल द विजिटर्स ऑफ दिस पेज हु आर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू मेक अ करियर. हां भाई रुक जाओ, बस पहले बताओ यहां तक क्या दिया हुआ है. रिक्रूटमेंट. हां भाई, रिक्रूटमेंट है, एक्सटर्नल है, उसमें भी कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट थ्रू वेब. पहला पॉइंट मिला हमें. क्या मिला? इसने क्या हमसे पूछा है कि ये एडवर्टाइजमेंट है? नहीं, उसने बोला है कौन सा स्टाफिंग की कौन सी प्रोसेस का स्टेप है. तो कौन सा मिला हमें? रिक्रूटमेंट. आगे. अभी भी क्या है ये? रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट में सर्चिंग होती है ना, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं ऐसे कि लोग आए. आगे. अब वो क्या कह रहा है? देखो, फर्दर डिटेल्स. फर्दर डिटेल्स जो और कंपनी मतलब इसके बारे में, पोस्ट के बारे में, वैकेंसीज के बारे में दी हुई है. लाइक बोलो बेटा. लाइक डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस पर्सनालिटी. क्या बोलते हैं इसको? एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर. वही वर्टिकल हॉरिजेंटल है ना, वर्कलोड वर्कफोर्स. Through a continuous assessment of the number and types of human resources necessary for the performance of various jobs and accomplishment of organizational objective and in relation to the number and type available. हाँ भाई, तो हमें क्या दो चीज मिली? एक तो मिला estimation of manpower, दूसरा क्या मिला हमें? Recruitment. Clear है? हाँ भाई, जहाँ quoting की बात आती है, quoting, I hope की quoting तो समझ में आया, point आते हैं तो आया थी, quoting तो हम खींच लेते हैं. दूसरा point लेकिन बहुत important है. दूसरा पॉइंट क्या है? वापस आते हैं दूसरे पॉइंट पे बेटा. दूसरा पॉइंट जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? बी पॉइंट. नेम द कॉन्सेप्ट. अब ये कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? क्या पहली बात तो मैंने तो बताया था, कॉन्सेप्ट हो गया, एस्पेक्ट हो गया. इसका मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट कुछ पकड़ के लेके आना होता है. टू द पॉइंट. तो उसने बोला नेम द कॉन्सेप्ट एट, कॉन्सेप्ट एट, सॉरी दैट. हाँ, नेम द कॉन्सेप्ट दैट relates to the details about the vacancy. Detail about the vacancy. Vacancy के बारे में detailed information, estimation चल रहा है. इसका मतलब है ना, estimation की बात हो रही है ना, estimation में तो होता है ना. तो हम क्या बोल रहे हैं? Detailed about the vacancies available in the term of desired qualification, experience, personality. क्या है ये? Name the concept. तो तुम्हारे पापा चार्ट में ऐड करने के लिए तुम्हारे पास एक और पॉइंट आया जिसे कहते हैं क्या था, क्या कॉन्सेप्ट था? इसे कहते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन. तो तुम्हारा पॉइंट क्या आया इसके अंदर? जॉब डिस्क्रिप्शन. पापा चार्ट में जाओ और वहां जाके एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर के नीचे जाके लिख दो क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन.
क्या बताता है ये? जॉब डिस्क्रिप्शन को बताता है कि जॉब डिस्क्राइब कर रहे हैं जॉब में आपको क्या करना है। नहीं सुनो सुनो फिर सुन लो सब सुन लो। एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर के अंदर वर्कलोड, वर्कफोर्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के बेस पर नंबर्स मिल गए ओवरस्टाफिंग एंड स्टाफिंग से। उसके बाद जो भी कुछ होता है उसे कहते हैं क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर क्या देता है? जॉब डिस्क्राइब करता है कि जॉब जो है क्या एक्सपीरियंस, क्या क्वालिफिकेशन, क्या कोटा वोटा है ना, उसे कहते हैं क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन। तो उस पूरे को इकट्ठा करके एक तरफ लिख दो क्या? जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आप पास अगर जॉब डिस्क्रिप्शन के अलावा कुछ और भी पॉइंट हो जो तुम्हारे मन में आ रहा हो, जो अच्छा टेक्निकल पॉइंट हो, वो भी तुम लिख सकते हो। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2020। अब देखो फिर आ गया बदतमीजी करने के लिए। कौन एस्पेक्ट, कॉन्सेप्ट, एस्पेक्ट है ना। अब एस्पेक्ट का मतलब फिर से क्या होगा? कुछ डिटेल, कुछ एग्जैक्ट पकड़ के लेकर आना है कुछ पॉइंट। हाँ जी। बीइंग टेकन इनटू कंसीडरेशन बाय सुनिधि बाय कोटिंग द लाइन। सुनिधि रन्स अ केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग इन गुड़गांव। द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हर फर्म इंक्लूड All kinds of research and information gathering in fields such as financial market, medicine, animation and design, etc. So Nidhi believes that the success of the company can be achieved mainly through the people it chooses to employ. Therefore, she aims to attract. इससे मालूम चला कि वो staffing में believe करती है। Therefore, she aims to attract the best people and attract underline कर लो भाई। Attract का मतलब क्या होता है? Recruitment. सर्चिंग, अट्रैक्ट करना इससे कि वो लोग अप्लाई करें। अट्रैक्ट करना इससे कि वो लोग अप्लाई करें। अ बेस्ट पीपल एंड प्रोवाइड्स देम इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस देयर नॉलेज एंड स्किल रिलेवेंट टू द पोजीशंस। हां भाई, नॉलेज एंड स्किल क्या हुई? ट्रेनिंग। अब उसने बोला था एक्सप्लेन द एस्पेक्ट ऑफ स्टाफिंग। अब यहां पर स्टाफ एस्पेक्ट का मतलब क्या? प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? जरूरी नहीं है मैंने क्या बोला। एग्जैक्ट पॉइंट क्या दिखाई दे रहा है वो लिखना होता है ऐसे में। हाँ जी, तो तुम्हें दो पॉइंट तो एग्जैक्ट दिखाई दे होंगे जो हमने अंडरलाइन कर लिए। कौन कौन से? पहला तो रिक्रूटमेंट मिल गया, और दूसरा क्या मिल गया? ट्रेनिंग। तीसरा बचा हुआ है कौन सा? वो कहाँ मिला है भाई? तो उसने क्या बोला कि उसका काम क्या है? चूज करना। तो ये क्या है? सिलेक्शन। तो ऐसे में हमें तीन चीज मिली क्या? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2121। नेम एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ट्रेनिंग विच अनुष्का हैज बीन आस्क्ड टू अंडरटेक एंड एक्सप्लेन ब्रीफली एनी वन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। बोलो। Anushka is doing a course in fashion designing from an institute of repute. As a part of the course, she has been asked to take on the job training in the export house for a fortnight in order to gain an insight about various practical aspects related to designing. Anushka, through the reference from her senior, रुक जाओ, ध्यान देना। उसने पहले क्या किया था? On the job training ली थी। हाँ भाई, as a college है, पढ़ते पढ़ते क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? इंटर्नशिप ले रही थी, यानी कॉलेज में पढ़ते पढ़ते उसने ट्रेनिंग ली। फिर उसके बाद में क्या हुआ? उसकी नौकरी लगी। बोलो अनुष्का। जॉइंस एन एक्सपोर्ट हाउस ओन्ड बाय एन अपकमिंग डिजाइनर नंदिता। हाँ भाई, उसने क्या किया? पहले तो उसने पढ़ाई करते करते क्या ली? इंटर्नशिप की। पढ़ाई करते करते क्या की? एंट्रेंशिप की। पढ़ाई करते करते क्या की? एंट्रेंशिप की। अब नौकरी लग गई है, ट्रेनिंग और चाहती है। ध्यान देना, अब हम बात कर रहे हैं, उसने बोला क्या? ऑन द लाइन या और ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब? ऑफ द जॉब। ऑफ द जॉब में कितने होते हैं? 6 पॉइंट। पहले 3 क्लास, फिल्म और केस स्टडी। ठीक है, तो ध्यान देना, जब वो ऑनलाइन ट्रेनिंग ले चुकी है, ट्रेनिंग मतलब ऑनलाइन जॉब कर चुकी है, यानी ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग ले चुकी है, इसका मतलब उसको आता है। क्या उसको क्लासरूम लेक्चर से कुछ फायदा होने वाला है? नहीं। आता तो है ना उसको। क्या फिल्म देख के फायदा होने वाला है? नहीं, आता है उसको। क्या केस स्टडी से फायदा होने वाला है? नहीं, आता है उसको। तीन बची, तीन में। हाँ भाई, कंप्यूटर मॉडलिंग, अरे उसको तो आता ही है।
उसको तो ट्रेनिंग तो ऑलरेडी ली हुई है, वो भी ऑन द जॉब. ऑन द जॉब का मतलब उसको सब आता है, तो वो कंप्यूटर में बैठ के यस नो करेगी, क्या करेगी. लास्ट वाला प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, अरे उसको तो ऑलरेडी जॉब आता है, तो उसको प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की जरूरत क्या है. उसको अब मशीन पे प्रैक्टिकली करना है, तो क्या करेगी वो, क्या बेस्ट रहेगा उसके लिए. वेजिटेबल ट्रेनिंग, वेजिटेबल ट्रेनिंग क्या कहती है, हाँ जी, वेजिटेबल ट्रेनिंग क्या कहती है कि वो मशीन पर ही काम करेगी ना, वैसे ही एनवायरमेंट क्रिएट किया जाएगा, वहां काम करेगी. तो ऑफ द लाइन, ऑफ द जॉब के अंदर हम क्या बोल रहे हैं, पांच नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या करके आई है, पहले से पढ़ कर आई है. अगर वो ऑन द जॉब नहीं करके आई होती तो आप कुछ भी बोल सकते थे, क्लासरूम लेक्चर दिलाओ, पहले फिल्म दिलवाओ, उसके बाद फिर केस स्टडी करवाओ, धीरे धीरे आते है ना. क्या बात है, जीनियस बोल रही, सब कुछ करा सकते थे. हाँ, तो हमें दो चीज मिली, एक तो पहली क्या मिली, एंट्रेनशिप ट्रेनिंग मिल गई, और दूसरे क्या मिल गया हमारा, वेजिटेबल ट्रेनिंग. क्लियर है भाई. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2222. Distinguish between training and development on the basis of meaning, purpose and scope. The employees of the Food Panda, a restaurant, are trained through a structured program that provides training in each area within the restaurant. हाँ भाई, each area को डिलीट कर लो, each area. यानी हर डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग कौन सी होती है, हर डिपार्टमेंट में जॉब रोटेशन कौन सी होती है, जॉब रोटेशन क्या कहता है, हर चीज को करके देखो. आगे बोलो. The trainees learn these skills necessary for running each of the 12 workstations in the restaurant, from taking orders to the cooking area. This enables the employees to gain a broader understanding of all parts of the business and how the restaurant functions as a whole. The trainee gets fully involved in the department operations and also get a chance to test her own aptitude and ability. When employees are trained by this method, the organization finds it easier at the time of promotion. तो जॉब रोटेशन का फायदा क्या है, जब भी कोई नई ब्रांच खुलती है तो ऐसे में उसको, जिसको सब आता है, उसको उस ब्रांच में हेड बनाकर भेज दिया जाता है विद प्रमोशन. हाँ जी, क्लियर है ना ये. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अभी क्वेश्चन है, वैसे हम इसको एंड में सीखते हैं, लेकिन अभी भी एक बात बता रहा हूँ मैं. ऐसे में तुम्हें क्या लगता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, पहला पॉइंट एक नंबर का, अगर एक नंबर को मतलब आधा पॉइंट किसका, उसने वैसे ही बोला क्या, नेम द टाइप, पूरा क्वेश्चन एक ना, नहीं एक ही बात हो रही है. हाँ भाई, नेम ही तो बोला है उसने, एक्सप्लेन तो नहीं बोला ना. तुम्हारा मन करे तो तुम एक्सप्लेन कर देना, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, नेम बोला है, नेम के नंबर मिलते हैं. हाँ, स्कूल के टीचर नहीं मानते, स्कूल के टीचर बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो लिखो, है ना, वो तुम्हारी श्रद्धा है, तुम क्या लिखोगे. याद रखना, स्कूल के टीचर एक और चीज़ कहते हैं कि क्वेश्चन मांगे ना मांगे, कोट तो कर ही दो, कोट तो कर ही दो. सिर्फ क्यों, उनको पैराग्राफ बढ़ाने हैं, बोर्ड को नहीं बढ़वाने पैराग्राफ, है ना. तो पुरानी आदत है, 5 साल पुरानी आदत है स्कूल के टीचर्स की, तो उनको पता है कि ज़्यादा लिखोगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है. लेकिन अब बोर्ड का सिस्टम बदल गया है, ज़्यादा से नहीं, प्रॉपर लिखोगे तो नंबर मिलेंगे. लिख दिया है नेम द टाइप, तो नेम के अंदर ही सिर्फ नाम बताना है, उतने के नंबर मिल जाएंगे. लेकिन तभी हम भी क्या बोलते हैं, नहीं थोड़ा सा दो लाइन का समझा दो ना, दो लाइन कितना, दो लाइन समझा दो, बहुत है. तो पहला तो हमें मिल गया, कौन सी ट्रेनिंग थी ये, फिर उसने बोला है डिस्टिंग्विश बिटवीन. अब ऐसे में ध्यान देना, अगर ये 3 नंबर का हुआ तो क्या 3 नंबर का ही होगा, यानी कि ये टोटल क्वेश्चन कितने नंबर का आना चाहिए. तो हमें हिंट क्या मिली, टाइप ऑफ ट्रेनिंग एक ही होगी, एक नंबर की दी हुई है तो. और दूसरा हिंट क्या मिली, 3 नंबर है, मतलब आधा आधा नंबर, आधा आधा. तो हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, 3 पॉइंट लिखने हैं प्रॉपर तरीके से, दोनों तरफ के, ट्रेनिंग के भी और डेवलपमेंट के. आओ तो देखते हैं, पहले तो ट्रेनिंग का क्या पॉइंट है और डेवलपमेंट का क्या पॉइंट है. ट्रेनिंग, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज एंड स्किल, जबकि ये क्या ग्रोथ के लिए होती है, लर्निंग एंड ग्रोथ. हाँ भाई, किसके लिए, लर्निंग एंड ग्रोथ. पर्पस क्या है ट्रेनिंग का, जिससे कि वो अपना जॉब और अच्छी तरीके से कर सके, जॉब को और बेटर कर सके. दूसरी तरफ ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ देखी जाती है एम्प्लॉयज की, जॉब के लिए नहीं, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट. थर्ड वन, स्कोप क्या है, जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस है. ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, जिससे कि आपको नौकरी मिल सके, जिससे कि आप नौकरी ढंग से कर सको. यहाँ पर करियर ओरिएंटेड, क्यों, अगर अच्छी ट्रेनिंग लोगे तो फ्यूचर में तुम्हें और दूसरी बड़ी कंपनियों में मूवमेंट करने के भी चांसेस मिल सकते हैं. क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 24, क्या 23 तो कर रहे थे अभी, और अच्छा एक गायब हो गया बीच में से, तुम्हारी बुक में कौन सा है, 24 या 23 है, 24 ही है.
बोलो 24 पहले तो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बनाना, स्टार पॉइंट बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, यहाँ पर लॉजिक लगाना जरा, तुम पहले खुद ही लगाना फिर बाद में बात करूंगा तुमसे। बोलो टाइप ऑफ टेस्ट इज सुंदर लाल मेन यूज टू असेस द पोटेंशियल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एंड ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर कंडक्टिंग द असेसमेंट टेस्ट। ये बच्ची अच्छी है बेटा, दोबारा से हो जाएगी, एक बार दोबारा शुरू करो, शुरू से। ब्रीफली आउटलाइन एनी वन मोर टाइप ऑफ टेस्ट दैट सुंदर लाल मे यूज टू असेस द पोटेंशियल ऑफ द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। हां भाई, पोटेंशियल चेक करना है, ध्यान से सुनना, पोटेंशियल चेक करना है ना, कि सामने वाला जो एम्प्लॉय आने वाला है वो उसका पोटेंशियल कैसा है। बोलो ब्रीफली आउटलाइन द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन द सिलेक्शन प्रोसेस आफ्टर कंडक्टिंग। ठीक है, वो देखो, दूसरे का तो फ्री हिट मिल गया तुम्हें, दूसरा तो फ्री हिट मिल गया, फ्री हिट क्यों, उसने बोला आफ्टर कंडक्टिंग असेसमेंट टेस्ट, टेस्ट पूरा होने के बाद कितने मांगे ये देख लो, द स्टेप इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस, कुछ नाम तो दिया नहीं है, और आगे कुछ भी हो सकते हैं, कौन कौन से, टेस्ट के बाद इंटरव्यू, बैकग्राउंड एंड रेफरेंस, सिलेक्शन, मेडिकल, सारे आ सकते हैं ना, फ्री हिट है ना, पढ़ने की जरूरत तो नहीं है ऊपर वाले को, लेकिन करने की समझने की जरूरत है। बोलो उसका पोटेंशियल पता करने के लिए। बोलो दिस इज डन टू इंश्योर दैट पोटेंशियल न्यू ऑफिसर्स आर इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, इमोशनली एंड, इनको अंडरलाइन कर लेना, इमोशनली और साइकोलॉजिकली सूटेड टू कैरी आउट द रिक्रूटमेंट ऑफ द जॉब। हाँ भाई, तो आओ जरा देखें, तुम सभी को याद होगा टेस्ट तो पांच ही थे, टेस्ट कितने थे, पांच, और आंसर क्वेश्चन में कहा था ब्रीफली आउटलाइन एनी वन मोर टाइप ऑफ टेस्ट, एक और बताना है। तुम पहले ये बताओ, तुम्हें ऊपर से कहीं मालूम चला कौन कौन से टेस्ट हो गए? हाँ, कहीं से हिंट मिल रही है कौन कौन से टेस्ट हो चुके हैं? क्या कहीं से हिंट मिल रही है? पर्सनैलिटी टेस्ट की हिंट मिल रही है? अच्छा, कहाँ से मिल रही है? नेशन वॉन्ट्स टू नो, हाँ कहाँ से मिल रही है? इमोशन, बहुत बढ़िया। कौन सा टेस्ट मिला हमें यहाँ पर? बहुत बढ़िया, रुको 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 रुको, अब कितने बचे? हम तो अपनी स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहला टेस्ट क्या था बताओ? इंटेलिजेंस टेस्ट, क्या साइकोलॉजिकल होता है? हाँ भाई, क्या वो साइकोलॉजिकल टेस्ट माना जाएगा? हाँ एकदम माना जाएगा, पहला मिला यहाँ पर। दूसरा क्या था हमारा? एप्टीट्यूड, क्या बताता था ये? न्यू स्किल, क्या आप नई चीज सीखना चाहते हो, इसका मतलब आपके अंदर पोटेंशियल है। क्या बोलते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी है ये? हाँ है नहीं है, है। अच्छा, पर्सनैलिटी वाला तो मिल गया हमें, उसके बाद ट्रेड टेस्ट, अच्छा तुम अपने ट्रेड में कितने एक्सपर्ट हो, क्या इस बात से तुम्हें मालूम चलता है कि ये तुम्हारा पर्सनैलिटी टेस्ट है? हाँ भाई, तुम अपने ट्रेड में कितने एक्सपर्ट हो? हाँ भाई, तुम अपने ट्रेड में, ये क्या साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी, कि तुम अपने ट्रेड में कितने एक्सपर्ट हो? हाँ जी, ये भी क्या हो गया, ट्रेड टेस्ट। तो हमने क्या देखा, चार टेस्ट पूरे हो चुके हैं इसके अंदर, अभी चार टेस्ट पूरे हो चुके हैं, और क्वेश्चन का जो नीचे क्वेश्चन है वो क्या है, एक बार दोबारा बोल दो बेटा, ब्रीफली आउटलाइन एनी वन मोर टाइप ऑफ टेस्ट। हाँ आगे, हाँ भाई, तो और कौन सा टेस्ट है जो वो ले सकता है पोटेंशियल को चेक करने के लिए? हाँ भाई, तो क्या बोला आपने, क्योंकि इंटरेस्ट टेस्ट भी बताता है कि अगर उसका इंटरेस्ट इस चीज में है तो उसका इन्वॉल्वमेंट ज्यादा हो जाएगा। अब तुम मुझे बस एक बात बताओ,
इसका आंसर सिर्फ इंटरेस्ट टेस्ट हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। हाँ जी, briefly outline any one more type of test that Sundarlal may use to assess the, तो ध्यान देना interest test जो है वो एक पूरी तरह से psychological test नहीं होता है। main psychological test कौन से थे जो चार तीन जो तीन हम बात कर चुके हैं, एक तो था आपका emotional, बाकी तीन जो थे तो उसके अलावा interest test इतना ज़रूरी नहीं था। उसने पूछा एक और बता दो, तो हमने क्या बोला interest test इसमें आ सकता है। ठीक है, अब ऊपर उसने कहा हुआ है कि उसने कुछ टेस्ट दिस इज डन टू एंश्योर दैट, मतलब ऊपर दिया हुआ और कहा गया ही यूजेस वेरियस टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट एज पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो भाई इसने बताया तो कुछ है नहीं कौन कौन से कर चुका है, तो ऐसे में हमने एक छोटी सी कहानी बनाई कि इमोशनल वाला तो एक अलग कर दिया, मतलब वो उसका पर्सनैलिटी अलग कर दिया, बाकी तीन भी ज़रूरी थे। हाँ भाई, ये जाना ज़रूरी है, उसकी डिसीजन मेकिंग ज़रूरी है। तीन इंपॉर्टेंट थे, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा था जो उसने नहीं लिया होगा, तो हमने क्या कह दिया उस बदतमीज से, बोलो ये टेस्ट भी ले ले। क्लियर है? तो सीक्वेंस के हिसाब से पहले चारों टेस्ट ज़्यादा ज़रूरी हैं, लास्ट वाला ऑप्शनल है, चाहो तो लो चाहो तो उसका वो टेस्ट मत लो। कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई लॉजिक नहीं है। कोई अगर ये कह दे टीचर तुम्हारा ये कह दे कि नहीं यहाँ पर कोई और टेस्ट है, हम कंसिडर कर सकते हैं, लॉजिक नहीं दे पाएंगे। इंटरेस्ट टेस्ट के पीछे एक लॉजिक है कि बाकी सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तो मैं अपने यहाँ जॉब पे किसी को रख रहा हूँ तो मैं चाहूँगा लीडर हो। हाँ भाई, मैं क्या चाहूँगा लीडर हो, मैं क्या चाहूँगा उसको न्यू स्किल उसको आती हो या इंटरेस्टेड हो। ठीक है, मैं क्या चाहूँगा उसका ट्रेड अच्छा हो, बिहेवियर अच्छा हो, और लास्ट में क्या देखूँगा मैं कि वो इन्वॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, तब भी काम तो करवाएंगे करवाएंगे उससे। क्लियर है? तो हमने क्या माना कि बाकी सारे टेस्ट वो ले चुका है, बस क्या बचा होगा। क्लियर है? कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक भी मैं लगा ही रहा हूँ, कोई लॉजिक नहीं है। मतलब अगर यहाँ पर कुछ और लिख दिया जाए तो वो भी हम, लेकिन सबसे हम ये मान रहे हैं सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, इंटरेस्ट, तो शायद वही बचा होगा तो हमने उसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो इसके बाद ये चैप्टर होता है ख़त्म। संडे को तुम लोगों का टेस्ट है, तुम्हें पता होगा, तुम्हारे मम्मी की बात होगा, तो मैं ही बात करूँगा मम्मी से आज, तुम्हें है बेटा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना सैटरडे को, तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे।